हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा सुब्रत राय ने अपनी 42वीं वर्षगांठ बनाई है अपनी कंपनी की, और सहारा के पास देश भर के अखबारों को देने के लिए करोड़ों रुपये कहाँ से आएंगे, एक बड़ा सवाल इस वक्त न्यूज़ के माध्यम से हमारे सामने है। जो 4 फरवरी 2020 की ये लेटेस्ट न्यूज़, पूरी खबर सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो पर बने रहें ताकि आपको पूरा पता चल सके कि पूरा मामला क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सहारा इंडिया परिवार का विगत 4 सालों से जमाकर्ताओं को झुला रहा है और बरगला रहा है और कहता है कि उसके पास देने को पैसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सेबी के बीच जो केस चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के ऊपर एम्बार्गो लगा रखा है। जो भी सहारा इंडिया संपत्ति बेचेगी वह सेबी के पास चला जाएगा, ऐसा उसने भ्रम फैला रखा है। आगे खबर है कि सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहारा ने झूठ बोला, झूठ की विज्ञप्ति आज भारत के सभी प्रमुख अखबारों में छपी है। एक ITI की जानकारी के अनुसार सहारा इंडिया की सिर्फ 2 कंपनियों पर सेबी पर रोक लगी है। ये सहारा इंडिया रियल इस्टेट और सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन, इन दोनों कंपनियों पर एम्बार्गो लगा है। सवाल यह है कि जब सहारा श्री वित्तीय स्थिति गड़बड़ चल रही है तो आज भारत के सभी प्रमुख अखबारों में करोड़ों रुपये की विज्ञापन का पैसा कहां से आया। 2 वर्ष पूर्व सहारा इंडिया के सभी रीजनल मैनेजरों को होंडा इमेज का कार गिफ्ट दी गई। यह कार ऑफिस यूज़ के लिए आपको दी गई। इन कारों को खरीदने का पैसा कहां से आया? कार खरीदने के लिए पैसा आया सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से। इन सोसाइटी ने भुगतान किया है। होंडा कंपनी को इसका प्रूफ भी है। जहां दोस्तों, ये एक इनकी सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है जिस पर कोई बैंड नहीं है, उसका पैसा यहाँ पर झोंका गया, जिसका प्रूफ यहाँ पर बताया गया। सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। यह स्थिति विगत 3 सालों से बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा होंडा कंपनी को कारों का भुगतान करना मानवीय। सहारा श्री, जब आपके पास भुगतान की स्थिति गड़बड़ चल रही है तो कारों के पैसे कहाँ से आए? कहीं आपका ब्लैक का पैसा तो नहीं है? मानिए सहारा श्री, आप हर साल 2 बार बड़ी बड़ी फिल्म नाइट करते हैं, अपने इस कार्यक्रमों में फिल्मी कलाकारों को बुलाते हैं, इनको देने को पैसा कहां से आता है? जब कंपनी की स्थिति इतनी ख़राब चल रही है तो सभी ऑफिस में कि कारों को बंद कीजिए, रोज़ लाखों रुपये का डीजल जल रहा है। सहारा सुब्रत राय बहुत सफाई से झूठ बोलते हैं और अखबारों के विज्ञप्ति देकर 1 तीर से 2 शिकार कर लिए मीडिया का मुंह बंद कर दिया और साथ ही अपने निवेशकों को बता दिया कि सारी गलती तो सुप्रीम कोर्ट और सेबी की है, जिससे सहारा के हाथ पांव बांध दिए हैं, जबकि सच्चाई इससे दूसरी है। सहारा श्री को यह नहीं दिखाई देता कि संपूर्ण भारत के लोग भुगतान के लिए परेशान हैं, एजेंटों को कमीशन नहीं मिल रहा है, ऑफिस के लोग आकर गाली गलौज कर रहे हैं, हर दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एजेंटों को। कुल मिलाकर सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय भुगतान देने की नियत नहीं रखते। ये चाहते हैं कि आने वाले भुगतान एजेंटों के द्वारा हो, अर्थात एजेंट या नया बिजनेस लाए और पुराने का भुगतान करें। यह महाशय उन पैसों के से अय्याशी करें और जल्द ही सहारा इंडिया के ऊपर लगाम लगनी चाहिए ताकि और लोगों को पैसा ना फंसे। सहारा के एक एजेंट द्वारा भेजे गए पत्र पर आधारित भड़ास अपने चंदे से चला। न्यूनतम 1 रुपये से लेकर अधिकतम 1000 रुपये तक चंदा देकर भड़ास के सहज संचालक में मदद कर सकते हैं आप। भड़ास मोबाइल नंबर 9993300099 पर पेटीएम या गूगल के जरिए सहयोग राशि भेज सकते हैं। अपने मोबाइल पर भड़ास की खबरें पाएं इसके लिए आप इस ऐप पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टे न्यूज़ चैनल से दी जा रही है और आपको सचेत किया जा रहा है कि इस वक्त सहारा सुब्रत राय ने जो अखबारों के माध्यम से निवेशकों में अपनी मजबूरियां बताई हैं, और ये मजबूरियां कुछ भी नहीं है दोस्तों, केवल निवेशकों को उल्लू बनाने के लिए ये सब मनगढ़ंत बातें करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टे न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और